और रवीना दोनों बहनें थीं, लेकिन शादी दोनों की ही काफी अलग होती है। शीना अमीर तो रवीना गरीब घर की बहू बनती है। हाय रवीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ। मैं तो बस कमरे में बैठी बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, गुड है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। ओके। रवीना फोन रखती है कि सामने सास खड़ी होती है। ये ले खरबूजा खा ले, मैंने काटा है सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे मम्मी मैं काट देती, आप क्यों परेशान हैं? बस रोटी बना कर खाती हूँ। सास रवीना का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले ही उसकी ननद और देवर बैठे होते हैं। भाभी आओ लूडो खेलते हैं, ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई खरबूजा खाने, अब आप भैया लूडो खिला रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। रवीना का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते, रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता। अरे रवीना चलो तैयार हो जाओ, भेलपुरी खाकर आते हैं, चौपाटी चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रवीना भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि शीना का फोन रवीना के पास आता है। क्या कर रही हो रवीना? अरे दीदी मैं घर पहुँच कर फोन करती हूँ, इनके साथ चौपाटी आई हूँ, आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना चौपाटी, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, टू व्हीलर में मुंह पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं टू व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर, जानती तो हो तुम। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। रवीना फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी शीना दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ, खा रही हूँ पी रही हूँ अच्छा पहन रही हूँ घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर भेलपुरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन शीना घर पर। चलिए ना शाम को रवीना के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस से रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद पति के बिना बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें करती हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है, वो भी ताज में, तुमको चलना है तो बताओ। नहीं ताज का मन नहीं है, चलिए ठीक है। पति ऑफिस चला जाता है, शीना घर पर सारा दिन या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, बस मन नहीं कर रहा था तो। ओह ये तंबोला खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। शीना समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है, शीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में मोबाइल में तंबोला खेलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। शीना घर से बाहर आती है और ड्राइवर को रवीना के घर जाने के लिए कहती है। मेरी बहन के घर ले चलो। जी मैम साहब। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। शीना मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो बहन के घर जाती है जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे शीना बेटा आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, रवीना कहाँ है? रवीना अभी तो यही थी, पता नहीं
देखना रोहन, भाभी कहाँ है। माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। शीना रवीना के कमरे में जाती है, जहाँ वो बालकनी में पड़ोसन से बात कर रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। रवीना और शीना सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी, आप क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। अब माँ आप बैठ जाइए। रवीना के घर का माहौल शीना को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था, इस तरह का खाना नहीं खाया था। कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हम लोगों के घर रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ जो गाँव वाली बुआ सिखा कर गयी थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। रवीना की ननद और देवर भी शीना के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। शीना जब वापस घर को जा रही होती है तो रवीना की सास उसे पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रखती। शीना सास के पैर छूती है और आंखों में आंसू भरकर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन रवीना तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। शीना वहाँ से चली जाती है और रवीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है। आज नवीन, जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसके कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर एम्बैरेसमेंट हो रही थी। भैया बस बस, यही छोड़ दीजिए। पर बेटा, तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ, पर आप मुझे यही छोड़ दो। पर क्यों? भैया मैंने कहा ना, आप मुझे यही छोड़ दो, मैं घर लौट कर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था वो कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं नहीं, वो तो मेरे भैया हैं। तेरे भैया? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। मैकेनिक ही है वो, मेरे दूर के भैया हैं। वही मैं सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। अब खैर ये सब छोड़, तो ये बता कि आज क्या स्पेशल है? अपने दोस्त की बात सुनकर निशा को अपनी आर्थिक परिस्थिति पर बहुत घिन आ रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भैया आ गई। और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ, इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ, तुझे तो गर्व होना चाहिए। नहीं भैया, उन सबका सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना, मैं नहीं चाहती कि आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाए। ठीक है। निशा फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी माँ की फोटो से बात करने लगा। देख रही हो माँ, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और बाबा होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता और तब शायद निशा को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा, उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी पोजीशन पर लाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता, निशा को अजय से प्यार हो गया। अजय एक बहुत ही पैसे वाले परिवार का लड़का था। उसके पास खुद की गाड़ी थी
और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, बोलो कब अपने पापा को तुम्हारे घर लाऊं? तो तुम मेरे घर मत आओ, मैं ही अपने भैया को तुम्हारे घर भेजती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भैया से बात की। भैया, अजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन भैया, वो बहुत रईस है, उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने बुलाया है, कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू फिकर मत कर, मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भैया प्लीज, अच्छे कपड़े पहनकर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के कपड़े निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भैया को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के पापा कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गया। आइए आइए नवीन जी, आइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा, आप बड़े हैं मुझसे और यही मेरे संस्कार हैं कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही गुणी होगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तो मिठाई खाके मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। आपकी उम्र लगभग 25-30 होगी। जी, और सुना है कि आपकी माँ निशा के जन्म के समय ही स्वर्ग सिधार गई थी। जी, उस वक्त मैं 10 बरस का रहा होऊंगा जब निशा का जन्म हुआ था, और मेरी माँ ने निशा को मेरे हाथ में दिया और मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसका भाई नहीं, माता पिता दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूँ। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में, बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय की शादी करनी है। निशा और अजय की धूमधाम से शादी हुई। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। शादी के 2 साल बाद निशा गर्भवती थी, पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाई को भी बता दो। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे, और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाई को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने तक सब कुछ उस गरीब भाई ने किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। खुद वो अनपढ़ रहा, पर उसने तुम्हें पढ़ाया। खुद बेचारा फटे हाल रहा, पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। वाह, अच्छी सोच है तुम्हारी। I'm sorry. सॉरी मुझे नहीं, अपने भाई को बोलो। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भैया के पास जाना है। अजय निशा को उसके भैया के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था, जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल, कुछ तो बोल। भैया, I'm sorry. मैंने आज तक आपका अपमान किया और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। शांत हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है? शांत हो जा।
तू अगर इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? निशा ने अपने आंसू पोछे। भैया आप मामा बनने वाले हैं क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया। मैं मामा बनने वाला हूँ। अरे भैया भैया। बेटा तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भैया पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से घिन आती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। आशापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां के लोग सादा और खुशहाल जीवन बिताते थे। गांव में गीता और मीना नाम की दो बहनें अपनी दादी के साथ रहती थीं। मीना तुम अभी तक अपने सूट पर कढ़ाई करने में लगी हुई हो, दादी बाजार से वापस आती ही होंगी। अगर उसने पानी का घड़ा खाली देख लिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी। जल्दी से जाकर घड़ा भर लाओ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। गीता और मीना अपनी दादी से खौफ खाती थी क्योंकि उनकी दादी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। दादी हर सुबह और रात सोने से पहले मीना और गीता को दो दो कोड़े लगाती थी। कभी कभी तो मीना और गीता को लगता था कि उन दोनों को अपनी दादी को छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन बेचारी जाती भी तो कहां जाती। गांव के लोग भी मीना और गीता की दादी के व्यवहार को लेकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कोई भी दादी के अतीत के बारे में नहीं जानता था। बेटी तुम्हारी दादी इस गांव की नहीं है, वे कहीं दूर से इस गांव में रहने आई थी। कोई नहीं जानता कि वो बचपन से ऐसी है या बाद में ऐसी हो गई। गीता और मीना की दादी रोजाना सुबह सैर करने जाती थी और सैर से लौटने के बाद वो गीता और मीना को दो दो कोड़े मारती। सोते से अचानक कोड़े पड़ते तो गीता और मीना की चीख निकल पड़ती और वो रो पड़ती। एक दिन आखिर गीता और मीना ने निश्चय किया कि वे दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी। हम दादी का अत्याचार और नहीं सह सकते, हमारी पीठ पर जख्म भर नहीं पाते तब तक दूसरे जख्म आ जाते हैं। ठीक कहा, इतनी निर्दयी दादी दुनिया में किसी की नहीं होगी। गीता और मीना घर छोड़कर भाग निकले। वे नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे थे। सामने से एक नाव उनकी ही तरफ आ रही थी जिसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। गीता और मीना की नाव पलट गई और सामने आ रही बुढ़िया की नाव भी पलट गई। गीता और मीना तो तैर कर पार जाने लगे लेकिन बुढ़िया नदी में डूबने लगी। मीना हमें उस औरत को बचाना चाहिए। दोनों बुढ़िया को बचाकर किनारे पर ले आए। शुक्रिया मेरी बच्चियों, मैं रुक्मिणी नाम की एक बुढ़िया को ढूंढने जा रही हूँ जो अपनी पोतियों पर अत्याचार करती है। क्या तुम मुझे उस बुढ़िया के बारे में बता सकती हो? रुक्मिणी? रुक्मिणी हमारी दादी का नाम है और हम ही उनकी अभागी पोतियां हैं। दादी के अत्याचारों से तंग आकर हम घर छोड़कर भाग आए हैं। नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी दादी अत्याचारी नहीं है, वो बेचारी मजबूर है। क्या आप हमारी दादी को जानती हैं? हाँ, मैं तुम्हारी दादी की बचपन की सहेली हूँ। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यहाँ प्रेम मौजूद है। प्रेम पाने के लिए कभी कभी व्यक्ति अंधा हो जाता है। तुम्हारी दादी जब जवान थी तो रजनीश नाम का एक लड़का उससे प्यार करता था। रजनीश के पिता एक तांत्रिक थे और जादू टोना जानते थे। रजनीश भी बचपन से ही तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत था। रजनीश तो तुम्हारी दादी से प्यार करता था लेकिन तुम्हारी दादी रजनीश से प्यार नहीं करती थी। वो तुम्हारे दादा यानी जय सिंह से प्यार करती थी। जब तुम्हारी दादी रुक्मिणी ने जय सिंह से शादी कर ली तो रजनीश गुस्से से पागल हो गया। रुक्मिणी से मैं प्यार करता था, उसका प्रेम सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था। रुक्मिणी ने जय सिंह से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं उन दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। रुक्मिणी और जय सिंह तांत्रिक रजनीश के डर से गाँव छोड़कर भाग गए। वे काफी दिन जगह जगह भटकते रहे। फिर उन्होंने भीमगंज नाम के एक गांव में पनाह ली। कई साल बीत गए
रुक्मणी और जयसिंह का एक बच्चा भी हो गया, यानी तुम्हारे पापा का जन्म हो गया था, लेकिन रजनीश ने तुम्हारी दादी का पीछा नहीं छोड़ा। रुक्मणी और जयसिंह ने कई गांव बदले और तुम्हारे पिता को लेकर इधर उधर भटकते रहे। जब तुम्हारे पिता थोड़े होशियार हो गए तो जल्दी ही उनकी शादी कर दी गई और फिर तुम दोनों का जन्म हो गया। रुक्मणी और जयसिंह ने सोचा कि शायद रजनीश अब तक मर गया हो, इसलिए एक बार वे अपने गांव वापस घूमने गए। तभी रजनीश ने अपने आदमियों के साथ उन्हें पकड़ लिया। इतने वर्षों बाद आज तुम मेरे हाथ आ पाई हो रुक्मणी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। जैसे मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाया, वैसे तुम्हें भी किसी का प्यार नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे बहू को अपनी कैद में रखूंगा। तुम अपनी दोनों पोतियों को ले जाकर पाल सकती हो। मैंने एक आत्मा को तुम्हारे पीछे लगा दिया है जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करेगी। तुम इन दोनों लड़कियों को सुबह शाम कोड़े लगाओगी, फिर ये तुम्हें कभी प्यार नहीं देंगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। जिस दिन तुमने अपने पोतियों को कोड़े नहीं लगाए, उस दिन मैं तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी बहू की बलि चढ़ा दूंगा। इसलिए ही तुम्हारी दादी तुम्हें कोड़े मारती है और नफरत करती है, ताकि तुम्हारे माता पिता की जान बची रहे। तो अब हमें क्या करना होगा? रजनीश मर चुका है, लेकिन वो आत्मा जिसे रजनीश ने तुम्हारी दादी के पीछे लगाया था जिंदा है। तुम्हारे माता पिता एक पिंजरे में कैद हैं, जिसमें कोई ताला नहीं लगा है। उस आत्मा को खत्म करने और पिंजरे को मिटाने का एक ही तरीका है, दक्षिण में स्थित काली नदी का पानी। उस नदी के किनारे एक दानव रहता है जो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने पहेली का सही जवाब दे दिया तो तुम नदी से काला पानी ले सकोगी। उस काले पानी को तुम्हें अपने मम्मी पापा के पिंजरे और अपनी दादी पर छिड़कना होगा, तब पिंजरा और वो आत्मा दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। गीता और मीना तुरंत ही दक्षिण की तरफ काली नदी का पानी लेने चल दिए। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा दानव नदी किनारे बैठा है। दानव जी, हम नदी का पानी लेने आए हैं। पानी लेने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को नदी में डुबा दूंगा। बोलो, पहेली पूछूं या नहीं पूछूं? हम तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने माता पिता और दादा दादी को नई जिंदगी देनी है। आप पहेली पूछिए। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को वे करते आराम, बोलो इनका क्या है नाम? दांत। सही जवाब, तुम नदी का पानी ले जा सकती हो। गीता और मीना ने मटके में काली नदी का पानी भरा और उसे लेकर सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंची। दादी पर जैसे ही उन्होंने पानी डाला, पास ही में एक आत्मा उन्हें दिखाई दी जो जलकर मर रही थी। फिर वे पानी लेकर अपनी मम्मी पापा और दादा के पास पहुंचे और उन्होंने पिंजरे पर पानी डाला। पिंजरा अचानक गायब हो गया। इतने सालों बाद रुक्मणी अपने पति, बेटे और बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। उनका परिवार अब खुशी से और एक दूसरे को प्यार देकर रहने लगा। शिवानी 18 वर्ष की थी जब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अशोक को भी ढाबे पर काम पर लगा दूं, कम से कम घर चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं माँ, अशोक अभी छोटा है, उसके पढ़ने की उम्र है और मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर बड़ा बने। तेरे बाबा जिंदा होते तो वो पढ़ सकता था, पर अब वही नहीं रहे तो किसी को तो घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मैं हूँ ना माँ, मैं संभाल लूंगी जिम्मेदारी। पर बेटी, तू ये कैसे करेगी? कर लूंगी माँ, तो चिंता मत कर। शिवानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने लोगों के यहाँ घर का काम करना शुरू कर दिया। वो 3 घरों का काम कर रही थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी
तो रात को 8 बजे घर लौटती थी, वो भी पूरी तरह थकी हारी। इतनी मेहनत मुशक्कत करके शिवानी ने अपने छोटे भाई अशोक का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर क्या था, हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है शिवानी, तुझे अशोक का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं करवाना चाहिए था, अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे संभालेगी। माँ तुम कितनी चिंता करती हो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। शिवानी ने और घरों में कामवाली का काम शुरू कर दिया। अब वो रोज सुबह 6 बजे घर से जाती और 9 बजे लौटती थी। दीदी तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा छोटे? दीदी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं, तू जब पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनेगा ना तब मेरी मदद करना, समझा? अब जा, जाकर स्कूल की पढ़ाई कर। ऐसा करते करते शिवानी की जिंदगी के 5 साल निकल गए। एक दिन की बात है, शिवानी के लिए एक रिश्ता आया था। देख शिवानी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, तू इससे शादी करके बहुत खुश रहेगी। माँ मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा, क्या मेरा होने वाला पति आप दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा? ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो मैं बिना देखे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा, तुझे क्या जिंदगी भर कुंवारी रहना है? अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। दुर्गा अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करती रही पर शिवानी उसकी एक नहीं सुन रही थी। शिवानी की जिद सुनकर दुर्गा परेशान थी। एक दिन दुर्गा की बहन उससे मिलने आई। क्या हुआ दीदी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो? हाँ अब क्या बताऊं तुझे, शिवानी की शादी का सोचकर परेशान हूँ। पर उसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आया था ना? रिश्ता आया तो था पर वो शादी के लिए मान नहीं रही है। पर क्यों? वो बोल रही है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका होने वाला पति मेरी और अशोक की जिम्मेदारी संभाले। अब तू ही बता, ऐसा कभी होगा क्या, कोई दामाद अपनी सास और साले को संभालता है क्या? ऐसा तो मुश्किल है, पर मैं शिवानी की बात समझ गई, उसको आप दोनों की चिंता है। मैं भी समझ रही हूँ पर तू तो देख रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, ऊपर से वो दिन रात लोगों के घरों के काम करके खपती जा रही है, उसे भी तो सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए ना। मिलेगी, जरूर मिलेगी, शिवानी की सोच बहुत अच्छी है, एक दिन उसे सारी सुख सुविधाएं जरूर मिलेगी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उसे ये सब जल्द से जल्द मिले। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए थे, शिवानी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवानी डर गई और दौड़ने लगी, वो जो चीज थी वो भी शिवानी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आखिर फिर शिवानी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। कौन कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिवानी ने देखा कि वो अजीब सी चीज एक बौना था। उस बौने ने शिवानी को एक संदेश दिया और वो बौना गायब हो गया। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी उठकर खड़ी हुई और फिर उसने वो संदेश खोला। तुम हमें नहीं जानती पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं शिवानी, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई और माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, कल सुबह 4 बजे यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये संदेश पढ़कर शिवानी परेशान थी कि आखिर बौने कौन थे और वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, पर शिवानी अपने भाई और माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बौनों से जरूर मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे शिवानी उसी ठिकाने पर पहुँच गई। 2 बौने उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे। मैं बौनों का राजा हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर तुमने वो काम कर दिया
तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी सात पुश्तें भी बैठकर खाना खाएंगी। हाँ, कैसा काम? और मैं ही क्यों? आओ मेरे साथ। राजा बौना शिवानी को एक गुफा के पास ले गया। इस गुफा में एक पिंजरे में मेरी रानी को कैद किया गया है। ये जादुई गुफा है। मेरी रानी को एक जादूगर ने कैद किया है। इस जादुई गुफा के अंदर जाने वाला बौना जिंदा नहीं लौटेगा, पर इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसके अंदर जाओ और मेरी रानी को बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ये मेरा वादा है। इस गुफा में कोई खतरा तो नहीं? कुछ सांप बिच्छू होंगे, पर बाकी कोई खतरा नहीं है। सांप बिच्छू सुनकर शिवानी सोच में डूब गई। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं जिंदा बाहर आ गई तो अशोक की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शिवानी उस गुफा के अंदर गई। गुफा में बहुत अंधेरा था। एक सांप शिवानी को अपने फन से डरा रहा था। शिवानी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अंदर गई। अंदर एक छोटे से पिंजरे में बौने की रानी कैद थी। वो रही रानी। शिवानी ने वो पिंजरा खोला और बौनों की रानी बाहर आई। बौनों की रानी ने जादू किया और सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। फिर शिवानी रानी को लेकर गुफा से बाहर आ गई। रानी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी को गले लगा लिया। बहुत अच्छे शिवानी, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा ने जादू से सोने के सिक्कों से भरी दो बड़ी पोटली शिवानी के सामने रख दी। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल करना है। जी, पूछिए। तुमने अपने जान की परवाह क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैं पूरे समय अशोक की बेहतर जिंदगी का सपना देख रही थी। अशोक को दुनिया की हर खुशी मिले, बस यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। मैंने तुमसे अच्छी बहन जिंदगी में नहीं देखी। शिवानी जी, आप हमेशा खुश रहो। बौने वहां से गायब हो गए। बौनों के दिए हुए सोने के सिक्कों से शिवानी और उसका परिवार अमीर हो गया। उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ गईं। और फिर एक साल बाद शिवानी की शादी हो गई। दुर्गा का सपना पूरा हुआ और सब कुछ सही हो गया। इस गरीब बहन का प्यार ही वजह थी कि आज सब कुछ सही था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।